नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की, और कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी हम लोग बेसिक को पढ़ रहे थे। इसी बेसिक में आज हम लोग समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करवाती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करवाने के पीछे उसकी मंशा क्या होती है, मतलब उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी डिज़ायर क्या होती है। इसी के बेस पर वह कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करवाती है और अपने कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को देखती है। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो भी कंपनियां कॉस्ट अकाउंटिंग करवाती हैं उनके मन में तमाम तरह की बातें ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आती हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ज़रूरत है कि कॉस्ट अकाउंटिंग करवाई जाए। इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के रूप में इन कुछ पॉइंट्स को समझेंगे और जानेंगे, जिनको हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं और आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम करने का प्रयास करेंगे। हम लोग आज समझने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स में पहले कि कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या कर रही है, अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर रही है। अब कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहां समझते हैं। कहा गया है कि कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि मैनेज करना, ठीक है। मैनेज करने का मतलब आप लोगों ने पहले समझा होगा जब आप लोग मैनेजमेंट पढ़े होंगे तब, तो मैं यहां पर इसको डिटेल में नहीं बताता हूं। मैं केवल ये कहता हूं कि कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब होता है मैनेजिंग और रेगुलेटिंग। अब मैनेजिंग और रेगुलेटिंग किसका होगा, क्या होगा, एक्सपेंसेस का। कंपनी क्या करती है, जब वह कॉस्ट कंट्रोल करेगी, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका कॉस्ट अकाउंटिंग उसके अंतर्गत में, उसके अंडर में, तो क्या करेगी, मैनेज करेगी और रेगुलेट करेगी अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को, टू इंश्योर दे अलाइन विथ द बजट आर प्री डिफाइंड टारगेट। ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी उसके एक्सपेंस लग रहे हैं वह किस पे लग रहे हैं, जो भी बजट उसने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, और उसके साथ साथ जो भी उसके प्री डिफाइंड टारगेट है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिकैप करते हैं। देखिए, कहा गया है कि कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग एक्सपेंसेस टू इंश्योर दे अलाइन विद द बजट आर प्री डिफाइंड टारगेट। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी क्या कर रही है, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही है और रेगुलेट कर रही है, यह इंश्योर करने के लिए, यह चेक करने के लिए, यह जानने के लिए कि जो भी एक्सपेंसेस उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं वे बजट के साथ और उसके जो प्री डिटरमाइंड प्री डिफाइंड टारगेट हैं उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कंपनी ने कोई भी प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट के अनुसार क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, और कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि उसमें इतने पैसे लग जाएंगे, इसके साथ साथ उसका इतना मटेरियल लगेगा, उसका इतना लेबर लगेगा और उसके ओवरहेड्स इतने लग जाएंगे, तो क्या ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, इन सारे के सारे टूल्स पे जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं वे सही तरीके से अपने बजट के अकॉर्डिंग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, इसको डिटरमाइन करना, इसको मैनेज करना और इसको रेगुलेट करना ही कहा जाता है कॉस्ट कंट्रोल। आपकी परीक्षाओं में छोटे प्रश्नों में भी कॉस्ट कंट्रोल आ सकता है, तो हम लोग आगे भी समझने वाले हैं कॉस्ट कंट्रोल को बहुत डिटेल में विद एग्जांपल, ठीक है। आगे देखते हैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब आप लोग समझेंगे कि जो भी कॉस्ट लग रहा है ना,
किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन में, किसी भी प्रोडक्शन में उसको घटाया जाना, कम करना, रिड्यूस करना। ठीक आगे देखते हैं, कहा गया है कि कॉस्ट रिडक्शन इज द प्रोसेस। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? प्रोसेस है ऑफ डिक्रीजिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी टू अचीव द लोअर ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स। बात तो ध्यान में रखिएगा कि कॉस्ट रिडक्शन किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए एक प्रोसेस के रूप में काम करता है, जिसका काम ये होता है कि डिक्रीज करना यानी कम करना बिजनेस के एक्सपेंसेस को, जो भी एक्सपेंसेस उसके प्रोडक्शन में, सप्लाई में, तमाम तरह के कार्यों में लग रहे हैं, उन सारे के सारे एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना, कम करना, और उसके साथ साथ जो भी एफिशिएंसी है, जो भी कुशलता है बिजनेस की, उसको इम्प्रूव करना है कि एफिशिएंसी बढ़े, कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन हमारा सही तरीके से हो, तो निश्चय ही प्रॉफिट ऊपर जाएगा। ये बात आप लोग समझेंगे। टू अचीव लोअर ओवरऑल एक्सपेंडिचर, और जो भी कंपनी बजट बना के चल रही है कि हम लोग क्या करेंगे, अपने लोअर एक्सपेंडिचर को लगाएंगे और अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि सारी की सारी कंपनियां जो भी काम कर रही हैं वो चाहती हैं कि उनका एक्सपेंडिचर कम हो और उसके साथ साथ जो भी वह काम कर रही उसमें एफिशिएंसी आए और उनका प्रॉफिट हाई हो जाए, सेल्स हाई हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा आता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट को असर्टेन करना। भाई साहब, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसके प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन के बाद जो भी गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उन सारे के सारे कार्यों में कितना कॉस्ट, कितना एक्सपेंस आ रहा है, उसको देखना, समझना और उसका कैलकुलेशन करना, कंपटीशन करना, कहा जाता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट को असर्टेन करना। इसमें क्या कहा गया है, हम लोग समझ लेते हैं। कहा गया है कि असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, यानी इसमें इन्वॉल्व है, किसमें? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट में द डिटेल्ड डिटर्मिनेशन, यानी डिटरमाइन करना, निर्धारित करना भाई साहब, एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। कहा गया है कि असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट में किसी भी एक्सपेंस का कैलकुलेशन करना और उसको डिटरमाइन करना, मतलब कितना खर्चा लग रहा है इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग, खर्चा लग रहा है किसमें? गुड्स को प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड डिलीवरिंग सर्विसेज, और किसी भी सर्विस को डिलीवर करने में। ये बात हमें समझनी है। असर्टेनमेंट का मतलब यही होता है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब यही होता है। आगे चलते हैं, कहा गया है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब जब कोई भी कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने वहां पे इंप्लीमेंट करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग लगाती है, तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है ना कि जो भी परफॉर्मेंस दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, क्या जो भी काम किए जा रहे हैं वे कैसे हो रहे हैं। इसके लिए जो भी कंपनियां होती हैं अपने परफॉर्मेंस का स्वयं इवैल्यूएशन भी करवाती हैं, यानी इवैल्यूएशन करती हैं। कहा गया है टू असेस द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को असेस करना, एंड एफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो भी तमाम तरह के डिपार्टमेंट हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितनी एफिशिएंसी से वह डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एफेक्टिवनेस क्या है उसका, इसको क्या करना, डिटरमाइन करना, इसको समझना, एसेस करना इसको, और ऑपरेशन विद इन एंड ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किस तरीके से रॉ मटेरियल लग रहा है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर लग रहा है, ओवरहेड कितने आ रहे हैं, इन सारी की सारी बातों का डिटर्मिनेशन करना, इन सारे के सारे कार्यों को एसेस करना ही कहा जाता है परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन। और जब कभी भी कोई भी कंपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर लेती है, तभी वह इस कंडीशन में पहुंच पाती है कि वह जो भी बिजनेस है उसकी ग्रोथ के लिए डिसीजन ले सके। ठीक, अगला टॉपिक हमारे पास है, अगला आता है पॉइंट की फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे ना, उससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। टू प्रोवाइड डेटा फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या करने के लिए, डेटा प्रोवाइड की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा, क्या करने के लिए,
हमारे पास जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उनको बनाने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं तो हमारा छठवां यानी अंतिम है डिसीजन मेकिंग, और जो भी तमाम तरह की चीजें होंगी तो ऑब्जेक्टिव ये भी तो होगा ना कि डिसीजन हमें करना है, डिसीजन बनाना है, तो वो देखिएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग प्राइसिंग प्रोडक्ट लाइन एंड रिसोर्स एलोकेशन। इन तमाम तरह के कार्यों को देख करके समझ करके कंपनी क्या करती है, डिसीजन बनाती है जिससे कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ हो सके और क्या हो सके, कंपनी का कॉस्ट कम लगे, कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस हो सके। मेरे भी साथ इस वीडियो में हमने समझा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अनदर टॉपिक को समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।